ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं परिवार के स्वास्थ्य की, समाज के स्वास्थ्य की। ये ऐसी बात है जो आजकल हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया था, उसको हमारी बहुत सी बहनों ने, बहुत सी महिलाओं ने अपने गलत हथियार के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। और इतना कई बार इसकी हद इतनी बढ़ जाती है कि हमने कुछ देखा है, ऐसा ज़्यादा नहीं होते पर कुछ केस होते हैं कि महिलाएं अपने पर बलात्कार तक का आरोप लगवा लेती हैं और उसको साबित तक कर देती हैं, और कुछ स्थितियों में वो साबित भी हो जाता है। पर आप सोचिए ना कि कितना घृणित कार्य, जिसके साथ ये स्थिति बनती है उसकी स्थिति क्या होती है, और ये उसको खेल बना के समाज में प्रस्तुत कर देती हैं, कैसे इनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है। पर आज मैं इन्हीं बहनों से बात करना चाहूँगी, इन्हीं समाज के जो कलंक बनने जा रहे हैं ऐसी स्त्रियों से बात करना चाहूँगी कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने इनके पतियों को बिलखते, हमारे पास रोते देखा है। बहुत से पतियों के फ़ोन आते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने एक वीडियो दिया है, जीवन साथी धोखा दे तब क्या करें। उस पर ऐसे हमने बहुत से प्रश्न देखे हैं। बहुत से पुरुष ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैं अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रेसी ने मुझे धोखा दे दिया, इनकी मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया, बीच में मुझे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँ। मित्रों, उनको तो मैं कह देती हूँ, आपका अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ था, विवाह के बाद होता उससे तो अच्छा है कि अभी छोड़ के चले गई है, तो उनके लिए तो समाधान शायद कुछ दूसरा मिल जाएगा। लेकिन विवाह के बाद एक बच्चा हो जाए, उसके बाद तो ये समस्या बहुत विकट और विकराल हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, करना क्या है, क्योंकि इससे हमारा समाज जिस तरह बिगड़ रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मित्रों, यदि आप नहीं समझे, आप अभी नहीं समझे, तो इसके परिणाम जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं उनके लिए तो बहुत ही घातक है। विषय क्या है, मैं आपको पूरा स्पष्ट करूं। आपको एक पुरुष मिलता है और वो आपसे प्रेम करने लग जाता है, आप उससे विवाह कर लेती हैं, उसके बाद आपको कहीं से लालच जाता है, आपके परिवार से, कहीं से भी, कैसे भी आपके मन में लालच आता है। आपको ये लगता है कि इस पति के पास बहुत पैसा है, इससे पैसा ऐंठ लिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए, और आपने उस पर कुछ आरोप लगा दिए, झूठे सच्चे जो भी हैं आरोप लगा दिए, और आपने डिवोर्स फाइल कर दिया कोर्ट में, और सीधा आपने बड़ी रकम की मांग की, या आपने उसकी जायदाद में हिस्सा मांगा, या कुछ भी है और उसको देना पड़ता। और ऐसे हम केस देखते हैं, हमारे देश में भरपूर केस ऐसे हैं, बड़े बड़े नामों के केस ऐसे हैं कि जिनके पत्नियों ने उनसे लाखों करोड़ों मांगे हैं और उनको कहीं हद तक देने भी पड़ गए हैं। तो ये जो कानून है, ये उन महिलाओं के लिए बना था जो विवश थी, लाचार थी, पर आपने तो उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। आप इसके परिणाम पर एक बार विचार करिए, अब आप क्या करेंगे। आप यदि दूसरा विवाह करती हैं तो आपको एलमनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद दूसरे विवाह के बाद एलमनी बंद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप और पुरुषों के हाथ का खिलौना बनेंगे। आप कहेंगी मैं उनको बुलाऊंगी, मैं ऐश करूंगी, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसा, मेरे पास व्हाट्सएप ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये महिलाएं प्रश्न फेसबुक पे, ये यूट्यूब पे नहीं पूछती हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं, 3-4 महिलाओं के ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मैं कैसे सेफ रहूँ। आप सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि यदि आपको सेफ रहना होता तो आप अपने विवाह को निभाती। यदि आपने अपनी जो सेफ लाइन है उसको छोड़ दिया है, तो अब आपको सेफ कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक पति वो हथियार होता है स्त्री के लिए, कि उसकी हमेशा रक्षा करता है। और यदि वो, क्योंकि अभी हम उन पतियों की बात करें जो इनके लिए परेशान होते हैं, कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, उनके विषय में भी हम बात नहीं कर रहे। क्योंकि आप यदि ये कहें कि ऐसे पति भी हैं, वो पति भी हैं, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है, पर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पति सच में अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। तो क्योंकि हमने ऐसे भी लोग भी देखे हैं, ऐसे पति भी देखे हैं जिनकी पत्नी उनके साथ 1-2 महीना रही है, उसके बाद, उसके जाने के बाद उनको हार्ट अटैक तक आ गए हैं, उनको पत्नी को मुसीबत से भी छुड़ाया, उसके बाद पत्नी छोड़ के चले गई, और ऐसे ही पत्नी के बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गए। तो इतना प्यार करने वाला पति यदि मिल जाए तो दुनिया में और क्या चाहिए। पर फिर भी उनको धन का लालच हो जाता है, और धन का लालच इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस पति पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर उसकी आत्मविश्वास को, उसके मनोबल को तोड़ के चले जाते हैं, और कोर्ट में केस आदि फाइल करके और उनको परेशान करने का पूरा
मन बना लेती हैं, और मन क्या बना लेती है, उनको परेशान कर देती हैं। और मित्रों ऐसी स्थिति कभी इतनी विकट हो जाती है कि उस आदमी के पास पैसे नहीं हैं, उस आदमी के पास पैसे नहीं है देने को, क्योंकि मेरे वकील ने मुझे बात बताई है कि उसके कलीग ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पत्नी ने पैसे की डिमांड इतनी ज़्यादा कर दी कि उसको अपने पिता का इलाज भी करवाना है, माँ का इलाज करवाना है, बहन की शादी करनी है, और एक बेटा भी वो छोड़ के चली गई, और वो सिर्फ पैसे मांग रही है। तो ऐसी स्थिति में उसने आत्महत्या कर ली। अब आपको क्या मिला, ले लीजिए जितना लेना है। तो इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए कोई इस स्थिति तक पहुंच जाए और वो इतना परेशान हो जाए। यदि आप ऐसा करती हैं तो एक बहुत बड़ा खड्डा आप अपने लिए खोदें। अभी तो आप जवान हैं, सुंदर हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जहां समय बीतेगा, जहां समय जाएगा, वहां आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, देखने वाला भी नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगी, तब आप भटकेंगी, तब आप कमजोर हो जाएंगी, तब आपको लगेगा कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप सोचती हैं कि बैंक बैलेंस होगा, ये होगा, वो होगा, हम सब कर लेंगे, हमें ऐश करना है, हमें बॉयफ्रेंड्स मिल जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नहीं, आप किसी भी साधन से कुछ समय तक संतुष्ट हो सकते हैं, आजीवन संतुष्ट नहीं हो सकते। आजीवन संतुष्टि के लिए तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक ऐसे कंधे की आवश्यकता होती है, एक ऐसे सीने की आवश्यकता होती है जहां आप सरक के दो पल या पूरा जीवन विश्राम से अपना समय ले सके और दे सके। मित्रों एक पुरुष होता है जिसकी चाह होती है कि कोई उसके सीने पर सर रख के उसको आराम दे, और वैसी स्त्री की कोई चाह होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई, क्योंकि आपको बॉयफ्रेंड्स तो मिलेंगे पर वो प्रेम नहीं मिलेगा जो जीवन साथी से आपको मिल सकता था, जो आपका पति आपको दे रहा था, जिसे आप छोड़ के चली आई हैं। यदि मेरी बातों में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगती हो और आपने ऐसा कुछ किया है तो मेहरबानी करके अपने ऊपर थोड़ी दया करिए। वो तो कहीं ना कहीं से शायद संभल भी जाए, पर आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैसे का होता है उसका जीवन में कुछ भी नहीं होता, कि पैसा एक सीमा तक साथ देता है, हमेशा धन साथ नहीं देता, हमेशा तो व्यक्ति ही साथ देते हैं, आपका मनोबल। और मनोबल तब आपका बढ़ेगा जब आप सही रास्ते पर होंगे। लेकिन आपने तो चुनाव ही गलत कर लिया है, जब आपने चुनाव गलत कर लिया है तो आपके रास्ते सही कैसे हो सकते हैं, विचार करिएगा मेरी बात पर। और इसमें कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ प्रश्न करिए, क्योंकि आप यदि सामने नहीं पूछ सकते तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेहरबानी करके मेरी बातों पर विचार अवश्य करिएगा। यदि आप ऐसा कुछ करने जा रही हैं, सोच रही हैं या कर चुकी हैं, तो सोचिए आपका वर्तमान जीवन कैसा है, और आप वर्तमान जीवन से जब आगे बढ़ें तो भविष्य आपका कैसा है। सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप आगे कैसे होंगे, क्या होंगे, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मित्रों निर्णय कभी भी बदले जा सकते हैं, आप में विश्वास होना चाहिए, आप में कुछ करने का सामर्थ्य होना चाहिए, निर्णय आप कभी भी बदल सकते हैं। और सही निर्णय लेने के लिए कभी देर नहीं होती, गलत निर्णय लेने के लिए कभी समय नहीं होता, सही समय कभी नहीं होता, और सही निर्णय कभी भी आप ले सकते हैं। हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। वंदे मातरम।